हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपको महाराष्ट्रियन स्पेशल मेथी ची भाजी, मेथी की सब्जी कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी बताऊंगी। ये भाजी बहुत ही टेस्टी, आपने कभी अगर मेथी की भाजी आप खाना पसंद नहीं करते हो तो आप ये तरह से मेथी की भाजी बनाइए, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। बच्चों से लेके बड़ों को सबको ये बहुत ही पसंद आएगी। तो आप ये मेथी की भाजी की रेसिपी, मेथी की सब्जी, मेथी ची भाजी की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही नई रेसिपी के लिए प्लीज आप बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। तो मेथी की भाजी के लिए पहले हम कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल ले लेंगे। तेल को हल्का गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाए हम उसमें 1 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून हम हींग ऐड कर देंगे। और साथ में ही हम 7 से 8 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च के टुकड़े ऐड कर देंगे। अगर आपको एकदम स्पाइसी बनाना है तो आप लहसुन और मिर्ची की पेस्ट बना के, दरदरी पेस्ट बना के ऐड कर दीजिए। मिक्स कर देंगे और हम 1 बड़ा प्याज बारीक चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे। भाजी में आप ये लहसुन और मिर्ची का पेस्ट ऐड करोगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप ज्यादा भी ऐड कर सकते हो। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। तो मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अभी मैं उसमें नमक ऐड कर दूंगी स्वाद के अनुसार। मैंने भाजी के हिसाब से भी मैं ऐड कर रही हूँ। तो अभी हम मेथी के पत्ते ऐड कर देंगे। तो मैंने 400 से 500 ग्राम तो एक बड़ा बंच मेथी का ले लिया था, उससे मैंने ऐसे पत्ते अलग कर दिए हैं। थोड़े उसके डंडल छोटे छोटे हैं वो मैंने रहने दिए हैं। मैंने मेथी की भाजी को अच्छे से वॉश करके छन्नी में 5 मिनट के लिए रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और अभी हम मेथी के पत्ते को ऐड कर देंगे और डंडल के साथ आप मेथी की भाजी बनाओगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। ये बिल्कुल कड़वी नहीं बनेगी। अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम मेथी की भाजी को खुला ही 1 से 2 मिनट के लिए पहले होने देंगे। तो इसमें से जो नेचुरली पानी रहेगा मेथी की भाजी का वो है निकल जाएगा। और ये भाजी आपको ज्यादा ही लेनी पड़ती है क्योंकि ये श्रिंक होके बहुत ही थोड़ी हो जाती है। तो अभी मेथी की भाजी आप देख सकते हो श्रिंक भी हो गई है और मेथी ने पानी भी छोड़ दिया है। तो अभी जो ये पानी है उसमें ही हमें मेथी की भाजी को पकाना है। तो हम उसे ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए बंद कर देंगे और बीच में हम 1 से 2 बार चेक करके हम 4 मिनट के लिए मेथी की भाजी को होने देंगे। तो अभी मैं ढक दूंगी। तो 2 मिनट के बाद हम एक बार चेक कर लेंगे और ढक्कन लगा देंगे। और जब तक मेथी की भाजी हो रही है मैंने मिक्सचर जार में आधे कप कच्चे सिंगदाने, तो मैंने मूंगफली के दाने ले लिए हैं, उसे हम दरदरा मिक्सचर जार में पीस लेंगे। तो अभी 4 मिनट हो गए हैं, हम दरदरे पीसे हुए मूंगफली के दाने सिंगदाने ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे से। और ढक्कन लगाकर हम 2 मिनट के लिए होने देंगे ताकि मूंगफली के दाने भी सॉफ्ट हो जाए। तो 2 मिनट अभी हो गए हैं। अभी हम भाजी को खुला ही 3 से 4 मिनट के लिए होने देंगे जब तक पानी ड्राई ना हो जाए। और नमक लास्ट में एडजस्ट कर लेंगे, मिक्स कर देंगे और हमारी गर्मा गर्म मेथी की भाजी है वो तैयार है। तो बनाने में ये बहुत ही सिंपल है, बच्चों से लेके बड़ों को ये सबको बहुत ही पसंद आएगी मेथी की भाजी। तो एकदम ग्रीन और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप ये महाराष्ट्रियन स्टाइल मेथी ची भाजी, मेथी की सब्जी की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेथी की भाजी की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।